मथुरा जनपद के स्कूलों में स्कूली ड्रेस और किताब कॉपी की खरीद के लिए मनमानी कराने वाले विद्यालयों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी स्कूल किसी भी अभिभावक को विद्यालय से किताब कॉपी और ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा करने पर विद्यालय संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी आदेश दिया है उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। कोई भी विद्यालय अभिभावकों को विद्यालय से स्टेशनरी और ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर उन्हें इस तरह की कोई शिकायत मिली तो विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि इस तरह के निर्देश पहले भी प्रसारित किए गए हैं और स्कूलों को पूरी तरीके से प्रबंधित किया गया है कि विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की किताबें या ड्रेस या इसको ना बेचा जाए, और साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभिभावक को किसी पर्टिकुलर दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, और यदि इस तरह की शिकायत जनपद में प्राप्त होती है तो कठोरतम कार्रवाई की जाती है। देखिए, किताबों के बारे में यूपी बोर्ड में तो इस तरह की शिकायत नहीं प्राप्त हो रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका कहने का अर्थ सीबीएसई है, तो इसके संबंध में सीबीएसई बोर्ड द्वारा पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उनके अधिकारी भी बैठते हैं, नोएडा बैठते हैं इस मंडल के अधिकारी, तो इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो हम उनको भी निर्देशित करेंगे। साथ ही साथ स्कूलों को ऑलरेडी निर्देशित किया जा चुका है कि किसी प्रकार की कोई बाध्यता ना की जाए।